पहाड़ जैसा है, चढ़ते चढ़ते ना हालत खराब हो रही है। अरे यार नेशनल फ्लैग भाई फाइनली पहुंच चुके हैं फोर्ट एंट्री है बिल्डिंग। हाँ दिख रहा है जहाँ से हमें बिल्डिंग बन रही। चलो चलो वाह मजे आ गए। ये देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडियन के लिए 25 और विदेशी के लिए 300-250। ठीक है भाई, 15 वर्ष के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है और अभी हमारा फ्री है। फाइनली भाई एंट्री हो चुकी है हम लोगों की। अरे ये रहा भैया, अपने आप पढ़ लेना ये सारा, इतना सारा बड़ा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज सब लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी झांसी फोर्ट में, और बाकी तो मैंने पहले आपको बताई दिया था क्योंकि फोर्ट जा रहे हैं घूमने के लिए। मौसम फिलहाल इस टाइम तो बहुत बढ़िया है क्योंकि अभी जब हम मॉर्निंग में गए थे ओरछा फोर्ट वगैरह घूमा था, तो भाई वहाँ तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और इस टाइम हम लोग हैं झांसी फोर्ट में और एंट्री तो कर ही चुके हैं। भाई चश्मा तो भूल ही गए थे इसलिए चश्मा पहन लिया है, अब बोलूँगा मैं। ये थी कड़क बिजली तोप, ये है और एंट्री ये है, और ऐसा ये है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, दिन में तो भाई बहुत ज़्यादा धूप थी जब ओरछा फोर्ट गए थे, वो मैंने पहले आपको बताया। फिर इस टाइम अब हम लोग, जब पहले मैं इधर आया था ना तो उस टाइम में ना सारा रिपेयर का काम चल रहा था जितना भी था टोटल, अब सारा रिपेयर का काम कंप्लीट हो चुका है। लाइटिंग वगैरह भी हो चुकी है क्योंकि अभी थोड़ी देर रुकेंगे तो हम लोग यहाँ एंड में आपको लाइटिंग शो वगैरह भी दिखाएंगे, जो भी है सब दिखाएंगे कंप्लीट, क्योंकि अभी तो भाई फ्री चल रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है अभी इस टाइम आने का, क्योंकि अभी हमारा इंडिपेंडेंस को जो 15 अगस्त को है, तो उस टाइम तक अभी हम जितने भी मतलब सारे पुरातत्व विभाग के जितने भी हमारे पुराने फोर्ट वगैरह हैं सब जगह पूरे ऑल इंडिया फ्री टिकट चल रहा है इस टाइम, इसलिए अभी हमारी कोई टिकट लगी नहीं है यहाँ पर फोर्ट में आने के लिए एंट्री के लिए। तो बढ़ते भी आगे, फिलहाल चलते हैं नीचे फोर्ट में, चलो आपको नीचे का एक्सप्लोर करते हैं। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ये देखो ये क्या कह रही है कि कपड़े कहाँ रखे हैं, रानी लक्ष्मी आई के। अबे बढ़ने कहाँ है, उधर चल चल। और ये देखो भैया, सबसे पहले आए गणेश मंदिर जो कि यहाँ फोर्ट में ही है, और ये वही गणेश मंदिर है जहाँ रानी लक्ष्मी आई जी पूजा करती थी भैया किले में आके, क्योंकि फोर्टी भाई उनका था, तो यहाँ सबसे पहले आके फोर्ट में आके यहाँ पूजा वगैरह करती थी। ये है गणेश मंदिर, ओम गणपते नमः, ये रहा गणपति बब्बा। तो बालकनी देख रहे हो ना, वहीं से देख रही है रानी लक्ष्मी भाई। अब उधर से तो दिखे है। चलो भाई नीचे चल रहे हैं, कहाँ शंकर जी के पास चल रहे हैं ना। चलो ये है बरादरी राजा गंगाधर राव ने बनवाई है, यहाँ मतलब डीजे चलता था पहले। देखिए ये है वो लोकेशन, मतलब यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ राजा महाराणाओं की मंडली सस्ती थी, यहाँ नाच नगीने होते थे यहाँ पर। हाँ आप तो बैठे हैं उनके साथ। हम बैठे हैं इसलिए हमें सब पता है भाई, हमारा भाई तीसरा बार जन्म भाव है। अरे तो यहाँ बने हुए हैं, यहाँ देखो यहाँ भी छेद है थोड़ा सा जहाँ से फुब्बारा, ये पुराने जमाने का फाउंटेन चलता था और राजा महाराजा यहाँ बैठते थे, यहाँ नहाते थे। अबे नहाते नहीं थे, नाचते थे पागल। अरे ये देखिए यहाँ छोटी छोटी गुफाएं हैं अंदर, है ना गुफा, चलो गुफा में उतरेंगे। आजकल है ना ये सब चीज़ें बहुत बेकार होने लगी हैं, आप कहीं घूमने आए हो कम से कम भाई राजा और कृष्णा रोशनी ये तो नाम मत लिखिए, इतना सारा प्यार करते हो भैया घर वालों को बताओ। ये वही वाला रास्ता है जहाँ रेड कारपेट बिछी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ से अंदर, और ये वैसा पड़ा हुआ है। ये देखिए दूर दूर तक पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। चलो फाइनली भाई नीचे से तो ऊपर चल रहे हैं, यहाँ का तो सारा घूम लिया है, अब चलते हैं ऊपर, आपको ऊपर से सारा व्यू दिखाएंगे जो भी है, बेहतरीन वाला व्यू दिखाएंगे आपको ऊपर से। अबे तेरी जहाँ भी देखो भाई सब जगह चढ़ाई चढ़ाई है, आफत आती है भाई किले में चढ़ने में, सही होना है फिर तो बस एक बार उतर भर जाओ। भाई क्या लिखा है आपको, भाषा समझ में भी नहीं आएगा। चलो भाई ऊपर चल रहे हैं यहाँ से फाइनली, चलो भाई पहाड़ जैसा है, चढ़ते चढ़ते ना हालत खराब हो रही है, पहले
जब हम लोग पहले आते थे ना तो भाई ये रोड वगैरह ना इतनी नीचे ऊपर मतलब ऊपर ऊपर नहीं थी, थोड़ी थोड़ी नीचे नीचे थी और खराब भी पड़ा हुआ था। और अब तो भाई साहब इतना ज़्यादा बढ़िया कर दिया ना, मुझे यहाँ रोड ज़्यादा बनाने के चक्कर में ना पहाड़ चढ़ाई और ज़्यादा बढ़ गई लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है। ये देखिए यहाँ की मशीन गन, ये है छर्रे वाली मशीन गन, ये देखो मशीन गन अभी डाला मैं, एक दिन अभी चलेगी। हाँ देख रहे हो ना पुराने जमाने की गन, यहाँ से कोई भी भाई दुश्मन अंदर आता था दद 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 शुरू। हाँ भाई बढ़िया देख रही मशीन गन, निकला भाई खोल के ले चलो भाई, खोल के चलो चलो भाई एंट्री हो रही है फिलहाल तो। चलो भाई अब चलते हैं, फिलहाल तो एंट्री कर ली है, सबसे पहले चलते हैं पंचमहल में, अब चलते हैं ऊपर। ये देखिए यहाँ पे गार्डन पंचमहल है। अब अपना भैया नेशनल फ्लैग, अभी थोड़ी हवा बंद थी लेकिन अब हवा चलने लगी तो अच्छा लहर आ रहा है ऊपर। ये देखो दिख रहा है ना दूर से ही, ये देखो भैया अंदर का भी सीन। अरे सनसेट हो रहा है भाई, अरे रहा नेशनल फ्लैग। 1 2 3 स्टार्ट, बोलो क्या बोले बोलो जी, सब तो भूल गए। नीचे स्ट्रीट लाइट भी शुरू हो चुकी है, लाइट वगैरह जल रही, इस साइड सारा जंगल है जितना भी है टोटल जंगल है। भाई सारा फोर्ट घूम चुके हैं अब हम लोग और इस टाइम भाई सनसेट होने वाला है, मतलब टोटल जितना फोर्ट था ना सारा मैंने आपको घुमा दिया है, कमरे वगैरह सब A to Z। और पहले से सही बताऊं पहले से साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी रहने लगी है, क्योंकि भाई जब पहले आते थे ना थोड़ी सी भाई समझ रहे हो ना बाकी, क्योंकि अब लास्ट ईयर मोदी जी आए थे ना जब से, तो और लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी हो चुकी है, यहाँ नाइट शो वगैरह भी होता है तो अभी नाइट शो भी हम देख के जाएंगे, क्योंकि अभी आज़ादी का टाइम चल रहा है, 75 साल पूरे हो गए हम लोगों के
75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो भाई इसलिए आज़ादी का महोत्सव भी चल रहा है, इसलिए सारे भी टोटल फोर्ट में भाई ऑब्वियसली फ्री तो है ही, कहीं भी घूमने जाओ कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आजकल कोई पर्ची वगैरह नहीं कटती है, और लाइटिंग शो भी आपको दिखाएंगे अगर हम लोगों को मौका मिला तो देखने के लिए, क्योंकि लाइट्स वगैरह तो अभी ऑन हो जाएंगी, और फिर भी हम लोग दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी लाइट वगैरह दिखा दें, और स्ट्रीट लाइट तो खैर चालू हो चुकी है, और भाई साहब बहुत अच्छा मज़े आ गए घूम के, क्योंकि मैं खुद ही बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ झांसी, बहुत टाइम बाद आया हूँ, सीरियसली मैं बताऊँ आप लोगों को कि इतने टाइम बाद इसलिए आया हूँ क्योंकि यार मज़े आ रहे थे, घर में बैठे बैठे ना बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो छुपाई थोड़े दिन घूम लेंगे, यहाँ भी घूम लेंगे, हमारा घर भी है, तो थोड़ा सा वीडियो ब्लॉग वगैरह भी बन जाएंगे आप लोगों के लिए, तो इसलिए। और जो जो भाई चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, GKS ट्रैवलर जहाँ भी आ रहा हो, जहाँ भी मेरी वीडियो दिखाई देना भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और 1.3K सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए। मज़े आ गए लेकिन घूम घूम के, अभी मैं आपको पूरा टोटल ये मोनोपोड से शॉट दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया शॉट आ रहा है, थोड़ा भाई ड्रोन वाली फीलिंग आ जाती है धीरे धीरे, आप लोग ऐसे चार्ज देते रहिए तो ऐसे बढ़ते रहेंगे आगे, और ये रहा मोनोपोड वाला शॉट, आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, माइक थोड़ा स्लो हो गया होगा, और भाई ये सारा मेरे पीछे देख रहे हो ना बैकग्राउंड में सारा, भाई ये झांसी नहीं मतलब पूरी एरिया है, टोटल झांसी का पूरा दिखाई देता है, इतनी ऊंचाई पे अभी हम लोग फोर्ट पे खड़े हुए हैं, ऊपर फ्लैग के पास है, ये रहा हमारा फ्लैग, नेशनल फ्लैग, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, कैमरामैन फ्लैग दिखाइए, ये रहा फ्लैग थोड़ा उलझ गया है ऊपर, अभी हवा से सही हो जाएगा, और मजे आ गए। चलो भाई अब चलते हैं नीचे, शंकर जी का मंदिर मिल गया फाइनली इतनी देर बाद, ये रहा भैया शंकर गढ़ और अमोद बाग और फांसी घर, चलो आपको फांसी घर भी दिखाएंगे, ये एक तो भाई सबसे ज़्यादा है ना यहाँ पर क्या दिक्कत है, सबसे ज़्यादा आती है स्मेल चमगादड़ों की, बहुत ज़्यादा आती है, अबे इस साइड का, इस साइड का है, चलो भाई इधर आए इस साइड, वाह ये आ गए भैया फांसी घर पहुँच गए, ये रहा भाई फांसी घर, ये रहा भैया यहाँ से लटका देते थे भैया फांसी पे, देख लो देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा ऊंचाई है, अब चल रहे हैं नीचे शंकर जी का जो मंदिर है वहाँ चल रहे हैं, ऐसा खंडर ही खंडर पड़ा कई जगह देख रहे हो ना बिल्कुल ही, अबे यार कितनी नीचे ले आए, ये आ गए भैया शंकर जी का मंदिर फाइनली 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 पहुँच चुके हैं, ये रहा यहाँ का लिखा हुआ, ये देखिए घूम बंद है, शंकर जी दिख रहा है, शंकर जी तो दिख रहा है ना, हाँ तो बस चलो भाई उतर रहे हैं नीचे, आ गए शंकर जी के मंदिर फाइनली, मिल ही गया फोर्ट में भी, हर हर महादेव, ये देखिए हनुमान जी यहाँ पे पहले सबसे आगे, और ये हर हर महादेव, अभी भी मतलब यहाँ पर पूजा वगैरह होती है, ये रहा है मंदिर यहाँ पे बना तो भाई बहुत अच्छा है, समझ लो आप कितना टाइम हो गया इसको भी बने हुए, तब भी मतलब वैसे ही वैसे रखा हुआ है, और अभी भी यहाँ पे मतलब पूजा अर्चना वगैरह सब कुछ होती है यहाँ पे, और भैया लाइट शुरू कर दो, हम लाइटिंग शो के लिए खड़े हैं यहाँ पे, भटक रहे हैं दर दर, ये देखो सब जगह चारों तरफ लाइट वगैरह लगी हुई है, ये फोर्ट है और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा, फोटो खींचे, ये देखो मतलब यहाँ पे पूरी दीवारों पे काई वगैरह सारी जमी हुई है, सारा जंगल हो रखा है इस टाइम, तो भाई फाइनली फाइनली भाई ऊपर चल रहे हैं, यार पता नहीं लाइटिंग शो कब शुरू होगा, हम तो भाई लाइटिंग शो का इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से, इसलिए समझ लो फोर्ट में घूम रहे हैं, टाइम पता अभी हो रहा है इस टाइम 7 बज गए, घूमते घूमते किला तातू ना निकला है कहीं से, चलो भाई फिलहाल अब निकल रहे हैं यहाँ से भी बाहर, चल घर आओ
ये देखो यहाँ की लोहे की खिड़की। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लाइटिंग शो के बारे में भी गार्ड ने बताया है वो है कि जैसे डेली आप आओगे ना तो वैसे 250 रुपये का टिकट है, और जैसे अभी क्या 15 अगस्त का टाइम चल रहा है इंडिपेंडेंट का, तो 150 रुपीज़ चार्ज है उसका लाइटिंग शो वगैरह का। 100 रुपये कम कर दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन भैया पैसे तो ले रही है, कम से कम लाइटिंग शो भी तो फ्री करनी चाहिए इनको यार, उनके पैसे लेंगे बताओ यार। चलो भाई अब फोर्ट से तो भैया एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ से सारा किला घूम लिया है हम लोगों ने। इसमें फ़ोन में ज़्यादा लाइट दिखाई दे रही है, कैमरे में वैसे तो भैया बहुत डिम है। ये देखो बाय बाय फोर्ट। ये देखिए एग्जिट, लाइट ऑन कर दो, नीचे की तो हो गई, स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई। देखो तो फाइनली हम लोगों ने सारा फोर्ट घूम लिया और अब यहाँ से करते हैं एग्जिट। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लॉग वीडियो और भी आते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में नेक्स्ट जगह पे। और फिलहाल स्ट्रीट लाइट ऑन कर दिए नीचे की, और भाई फोर्ट लाइट ऑन करी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि इसका टाइम वगैरह कुछ चेंज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, बाय बाय टाटा गुड नाइट। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, चीकेस्ट ड्राइवर जहाँ भी आ रहा हो मुझे को शेयर कर देना। बाय बाय टाटा गुड नाइट। चलो भाई जब हम लोग यहाँ से एग्जिट होने लगे ना तब यहाँ पे लाइट्स वगैरह अब ऑन हुई है, क्योंकि मैं ब्लॉग को तो एंड कर चुका था लेकिन लाइट्स ऑन हुई है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ सेकंड और बढ़ा दी तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि नाइट में कितनी अच्छी लाइट जलती है। ये देखो सारा मेरे बैकग्राउंड में, ये देखो ना पूरे टाइम फ्लैग वाली लाइट जली हुई है चारों तरफ भाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम, मजे आ गए भाई। मैं लाइट देखने के लिए आया था, इसलिए वो लाइट वाला भी हो गया था पूरा, ये रहा लाइट। और नाइट तो खैर हुआ नहीं, इसलिए अंदर गई नहीं है लाइटिंग। आप ये रही सारी लाइटिंग, ये देखो क्या बेहतरीन लग रहा है फोर्ट अब इस टाइम, और ये स्ट्रीट लाइट भी जल गई ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कुछ सिनेमेटिक मोड दिखा देता हूँ लाइटिंग वाले, ये देखो